Welcome students to GIP online classes. Today's session is for class 2. Today we will revise the chapter 2 of science. The chapter name is Animal World. Now, in this chapter we will discuss on the animals, which are divided into two sections. First, on the basis of their habitats and on the basis of their food habits. And at last, we will also discuss the endangered animals. So, there are different kinds of animals in this world. But firstly, we can divide those animals first on the basis of their habitats and on the basis of their food habits. Habitats क्या है? What is habitat? Habitat वो जगह है जहाँ पे कोई भी living thing grow करता है और रहता है, live करता है और साथ में ग्रो भी करता है, तो उसको वो उसका हैबिटेट कहा जाता है. हैबिटेट मतलब किसी का रहने की जगह, वेयर अ लिविंग थिंग रिसाइड. सो ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. फर्स्ट लैंड एनिमल्स एंड सेकेंड इज एक्वाटिक एनिमल्स. लैंड एनिमल्स, द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड. Aquatic animals, animals which live in water. Aqua, this word means water. So, aquatic animals are those animals which live in water. So, again on the in the land animals, we can divide the land animals into three sections. First of all, pet animals. Second, domestic animals. And third, wild animals. Pet animals. Pet animals are those animals which live with us in our home. Pet animals वही है जो कि हम लोगों के साथ हमारे घर पे ही रहते हैं. Example, cat, dog, etc. Domestic animals are those which live not with us in our house, but near our house or near us where we live. Yani domestic animals वो animals है जो कि हम लोग के साथ हमारे घर पे तो नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे आस पास या घर 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 के आस पास ही वो रहता है. Example, cow, horse, etc. जैसे कि ये दो तरह के एनिमल जो है, या तो हमारे हम लोगों के साथ हमारे घर पे pet animals, या हम लोगों के घर के नजदीक रहता है डोमेस्टिक एनिमल्स, तो इन दोनों का फूड और हेल्थ के बारे में हम लोग ही ख्याल रखते हैं. वी टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स फूड एंड देयर हेल्थ. लास्ट इज वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स आर दोज विच लिव इन द फॉरेस्ट. जंगल में रहने वाले जो जानवर है उन लोगों को वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. जैसे कि लायन, टाइगर, रैबिट, जैकल. तो इनमें से भी लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, दिस काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर बिग इन साइज, एंड जैकल, रैबिट्स, दिस काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज. यानी वाइल्ड एनिमल्स में भी कुछ बड़ा भी होता है, कुछ छोटा भी होता है. अगर बड़ा का एग्जाम्पल ले तो लायन, टाइगर एक्सेट्रा, और छोटे का एग्जाम्पल ले तो रैबिट, जैकल एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एक्वाटिक एनिमल्स. सो एक्वाटिक एनिमल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट एक्वाटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच लिव इन वाटर. एग्जाम्पल, जो कि पानी में रहता है. एग्जाम्पल, फिश व्हिच इज अ स्मॉल एक्वाटिक एनिमल, डॉल्फिन which is a big aquatic animal. So in this way, we divide the animals on the basis of their habitats in these sections. Now in the second part, we can also divide animals on the basis of their food habits. Yani wo kya khana khate hai uske upar depend karke bhi animals ko hum log teen shreni mein baant sakte hain. First, herbivores. Herbivores animals are those which eat only plants. यानी पेड़, घास, पत्ता खाने वाले जो एनिमल्स है उन लोगों को
हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स आर काउ, डियर एसेट्रा. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. कार्निवोर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं. दोज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एग्जांपल्स आर लायन, टाइगर एसेट्रा. द लास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. दिस काइंड ऑफ एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, यानी मांस भी खाते हैं और साथ में सब्जी, प्लांट्स, ग्रास, पत्ता, ये सब भी खाते हैं. दोनों तरह की चीज वो खाते हैं, तो उन लोगों को हम कहते हैं ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स एग्जांपल्स आर बियर, क्रो. देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इन दिस सेक्शन आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच ईट फ्लेश ऑफ द डेड एनिमल्स, यानी मरे हुए जानवर का मांस वो लोग खा लेते हैं और इस तरह से दे कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन, और इस तरह से वो हम लोगों का परिवेश जो है उसको साफ सुथरा रखता है. एग्जाम्पल हाइना. क्रो, वल्चर्स. So these are the animals we can divide on the basis of their habitats and on the basis of their food habits. Now an important thing is that out of these animals, some animals are called mammals. Mammals are those animals which have hair on their body, yani jiske sharir mein baal hote hain. Example, monkey, बियर, इस तरह का. तो फर्स्ट फीचर ऑफ दीज एनिमल्स इज दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड दीज हेयर प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड एंड हीट, ठंडे से गर्मी से ये बाल उन लोगों को बचाते हैं. सेकेंड इज दीज एनिमल्स हैव टू ईयर्स, one nose, two eyes, etc. Third is, these maximum of the mammals have four limbs. Four limbs मतलब दो हाथ दो पैर ज्यादातर मैमल के पास रहता है. So these are the features of mammals. And the last, in this chapter we will discuss the endangered animals. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि लगातार शिकार के शिकार होते जा रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, यानी अगले फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, इन द कमिंग फ्यूचर दे माइट नॉट बी लीव इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में शायद वो लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे. दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. एग्जाम्पल्स आर पांडा, Indian bustard, etc. So we need to protect these animals. हम लोगों को इस तरह के जो एनिमल है, एंडेंजर एनिमल जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इस तरह के एनिमल्स को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, यानी शिकार नहीं करना चाहिए, इन लोगों को मारना नहीं चाहिए. So this is the whole chapter we have discussed, and that's it for today. Thank you.